तुम्हें उस पर डाउट नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का फितूर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मुझे तलाक दे दो, तुम मेरी इज्जत नहीं करती। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये पता चल जाए कि मैं शादी कर चुका हूँ। मैंने खुद देखा, अभी आपके पीछे से कोई लड़की गुजरी है। मिन्नत की थी, गिड़गिड़ाया था मेरे सामने, लेकिन हकीकत सबके सामने आ जाए। पता चल गया मेरे बारे में। आयमा से शादी करके उस्मान ने अपने मामों पर तो जैसे एहसान ही कर दिया। वो इस एहसान के बोझ तले दबे हुए अब उस्मान को एक लफ्ज़ तक नहीं कह पा रहे। अपनी बहन के सामने वो गिड़गिड़ाएंगे कि उनकी बेटी को खुश रखा जाए, मगर उस्मान है जो कि आयमा को खुश रखे ये तो हो ही नहीं सकता। वो गिन गिन कर आयमा से बदला लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक आयमा ही थी जो नहीं चाहती थी कि आयना और उस्मान की शादी हो। शाम से इस बात पर बहुत परेशान होगी कि हमदान के साथ आखिर वो उस लड़की का ताल्लुक क्या था। हमदान तो कभी किसी भी लड़की के साथ इस तरह बाहर नहीं गया। सोचते सोचते जब वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आएगी तो फैसला करेगी कि उसे खुद हमदान से एक दफ़ा खुलकर बात कर लेनी चाहिए। जब वो हमदान को फ़ोन करके अपनी ये परेशानी टेंशन ख़त्म करना चाहेगी, मगर उसकी ये परेशानी और टेंशन तब और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब हमदान से बात करते हुए उसे पीछे से ऐना की झलक नज़र आएगी, हमदान उसका वहम करार देगा, मगर शानज़-ए-बज़िद होगी कि उसने एक लड़की को देखा है और वो कौन है। बेहतर यही है कि हमदान उसके बारे में सच बता दे, ये ना हो कि वो उसे रज़ा की तरह धोखा देता रहे, जिस तरह रज़ा लड़कियों को धोखा देता आया है। शानज़े को तो पहले ही इस बात का वहम है कि उसके भाई के किए गए कारनामों की सज़ा कहीं उसे न भुगतनी पड़े। तभी यहाँ पर हमदान के साथ लड़की को देखकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगी। दूसरी तरफ हमदान भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि उसे ऐना का कहीं न कहीं बंदोबस्त कर देना चाहिए। आयमा ने डॉक्टर बनने का ख्वाब तो पूरा नहीं कर सकेगी, मगर यहाँ आते ही जिस तरह का सलूक उसके साथ होगा ये तो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस सलूक की मुस्तहिक भी होगी। इस वक्त उसे ऐना से बहुत नफरत महसूस हो रही होगी, जिसकी उतरन यानी कि उस्मान के साथ उसे शादी करनी पड़ी। अपनी फुप्फो से रो रो कर जब वो इल्तिजाएं करेगी कि उसे इंट्री टेस्ट करने की इजाज़त दे दी जाए, मगर उसकी फुप्फो इस बात को मना कर देंगी और बता देंगी कि उस्मान जो भी फैसला करेगा वही उसे मानना होगा। वो उसका शौहर है, उसका दिल जीतने की कोशिश करे और जो वो कहे वो उस पर अमल कर दिया जाए। उस्मान ये सारी बातें सुन रहा होगा और उस्मान को इस बात को सुनकर बहुत गुस्सा आएगा। वो आकर आयमा पर चिल्लाएगा कि उसके बाप ने मिन्नते तरले करके उसे उसके गले में डाला है। अगर उस दिन वो अपने मामों की इज्जत ना बचाता तो शायद आज उसके साथ कोई भी शादी करने पर रजामंद ना होता। ऐना को जब पता चलेगा कि शानज़े को उसके बारे में शक हो चुका है तो वो बहुत परेशान होगी। उसकी वजह से हमदान पहले ही बहुत सारी मुसीबतों का शिकार हो चुका है। दूसरी तरफ ऐना को फील होना शुरू हो चुका है कि उसकी वजह से पहले ही बहुत सारे लोग परेशानी में मुब्तला हैं और हमदान उसका मोहसिन है। उस वक्त उसे लेकर आया जब उसके सगे रिश्तेदारों ने, सगे माँ बाप ने उसे घर से निकाल दिया। उस पर यकीन नहीं किया। एक वाहिद हमदान था जो उसे वहां से लेकर आया। उसके माँ बाप ने तो जैसे उसे बोझ की तरह सर से उतार फेंका। अगर वो उसकी शादी उस वक्त उस्मान के साथ कर देते तो आज उसकी ज़िंदगी भी अपनी बहन की तरह अजीरन हो चुकी होती। ऐना को इस बात का भी एहसास है कि आयमा उसकी वजह से बहुत मुश्किल में है और अब तो हमदान की ज़िंदगी भी मुश्किल में पड़ने वाली है। ऐना जानती है कि हमदान कहीं ना कहीं शानज़े से मोहब्बत करता है। वो चाहता है कि शानज़े के साथ शादी हो जाए, मगर अगर ऐना उसकी ज़िंदगी में ना आती तो ऐसा बहुत जल्द हो भी जाता। मगर अब ऐना के बाद हमदान की ज़िंदगी बहुत बदल जाएगी। हमदान ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि अगर वो ऐना को छोड़ दे तो यही उसके हक में बेहतर होगा। मगर हमदान जब एक रोती बिलकती माँ के आंसू देखेगा और दूसरी तरफ ऐना का उदास चेहरा देखेगा तो उसे ये सब कुछ याद करके यही लगेगा कि उसे ऐना को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वो ऐना को छोड़ देता है तो ऐना तो कहीं की भी नहीं रहेगी। ऐना को वो आगे पढ़ने की इजाज़त भी देगा, न सिर्फ इजाज़त देगा बल्कि उसका भरपूर साथ भी देगा। ऐना यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता रज़ा को भूल कर उससे मोहब्बत भी करने लगेगी। दूसरी तरफ उस्मान अपने मामू पर किए गए एहसान का बदला लेने के लिए मामू के पास पहुंच जाएगा कि अब मामू अपनी पूरी जायदाद उस्मान के नाम पर कर दें, क्योंकि उन्होंने उसका उस वक्त साथ दिया जब कोई भी उनका साथ देने पर तैयार नहीं था। यहाँ पर उस्मान की माँ भी उस्मान के साथ होगी। भले ही वो अपने भाई से मोहब्बत करती है मगर बेटे की मोहब्बत और भी ज़्यादा है। उस्मान ने अपनी माँ के कहने पर आयमा से शादी तो कर ली है मगर अब वो इस बात की पूरी कीमत वसूल करना चाहता है। नाजरीन, आपको क्या लगता है, क्या आयमा खामोश रहकर उस्मान का जुल्म बर्दाश्त करती रहेगी या नहीं? अपनी राय से ज़रूर आगाह करें।